बिहार से एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, जो आपको बताते चले, जो मांगों को लेकर बिहार के तमाम पारा मेडिकल छात्रों ने पैदल मार्च निकाला है। पैदल मार्च अगमकुआ स्थिति NMCH परिसर से निकलकर ROB होकर पुरानी बाईपास रोड कुम्हरार होते हुए भूतनाथ रोड स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज पहुंचा है, जहां पर छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य से मिलकर अपनी मांगों को बखूबी रखा। जिसके बाद छात्रों ने पारा मेडिकल डेंटल बोर्ड पहुंचा, जहाँ छात्रों ने सत्र नियमित करने, समय से परीक्षा संचालित करने, समय पर परीक्षा फल जारी करने, छात्रावास व छात्र वृत्ति देने की मांग की है। इस बाबत छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बताते चले कि छात्रों ने बताया कि आज समूचे बिहार में एक साथ पैरामेडिकल छात्रों का आंदोलन हो रहा है। सरकार व कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण पैरामेडिकल छात्रों का ना तो पढ़ाई हो रहा है और ना ही छात्रावास और छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से भी मांग करते हुए कहा कि पारा मेडिकल रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना कोई भी अस्पताल संचालित नहीं हो सकती है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत बने पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का बुरा हाल हो चुका है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। हम लोग का मांग है कि जैसे कि हम लोग को छात्रावास नहीं दिया जा रहा है, जो हम लोग का स्टाफिंग है 1500 वो भी नहीं दिया जाता। हम लोग बहुत दूर दूर से आके रह रहे हैं, कोई खगड़िया कोई कैमूर, बहुत मतलब अलग अलग जिले से आके रह रहे हैं और सब यहाँ पे किराए के रूम लेके रह रहे हैं और सबको मतलब छात्रावास खाली होते हुए वहाँ पे कुत्ता दौड़ते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। 400-500 रूम खाली है पर हम लोग को नहीं दिया जा रहा है और ना ही हम लोग का सेशन कम्प्लीट होता है सही टाइम पे। 18 बैच के जो बॉस लोग हैं या फिर जो 20 बैच के, उन लोग का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और 21 बैच के जो है उनको 2 साल होने जा रहा है, अभी तक एग्ज़ाम का डेट तक नहीं आया है। 2 साल का कोर्स 5 साल पूरा होने में लग जाता है और जो काउंसलिंग है वो उसका भी गठन किया जाए, पारा मेडिकल काउंसलिंग, और हम लोग के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं फिर भी हम लोग का प्रॉब्लम को नहीं समझा जा रहा है। नाम है आपका? अमीषा कुमारी। पारा मेडिकल छात्र। क्या नाम है? अमीषा कुमारी। देखिए बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि पैरामेडिकल छात्र रीढ़ की हड्डी है, बिना पैरामेडिकल के बिहार का कोई भी अस्पताल संचालित नहीं किया जा सकता है, जबकि 2018 बैच का पैरामेडिकल का छात्र आज भी उसका रिजल्ट नहीं आया है और बाकी जो भी छात्र ना उसको छात्रावास की सुविधा है न छात्रवृत्ति है, जबकि छात्र नियमित तौर पर 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, न समुचित पढ़ाई की व्यवस्था है। सभी छात्र चाहते हैं कि उनके लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति और पढ़ाई की व्यवस्था हो। इतनी दुर्भाग्य की स्थिति है सर, बच्चे रो रहे हैं, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। जो बच्चे 8 घंटा यहाँ पर आकर ड्यूटी करते हैं उनको न छात्रावास छात्रवृत्ति, आप बताइए 2018 बैच, 2 साल का डिप्लोमा में 5 साल लग रहा है। बच्चे दोनों स्तर पर परेशान हैं, जो बच्चे पास आउट हैं वो आंदोलन करें, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, वैकेंसी आता है, बच्चे डंडे खाते हैं, 5 साल में एक वैकेंसी को क्लियर नहीं किया जाता है। सर बहुत दुर्भाग्य स्थिति है। हम स्वास्थ्य मंत्री से, आदरणीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि सर जरा देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहिए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, तो पारा मेडिकल छात्रों को अधिकार देना करना पड़ेगा सर, सत्र नियमित करना पड़ेगा, छात्रावास देनी होगी सर। जो बच्चा रो रहा है, अब ये छात्राएं देख लीजिए सर, सभी दूर सुदूर इलाके से यहाँ पढ़ने आती है, इन लोगों को छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, जबकि जो गैजेट है 2005 का उसके अनुसार छात्रों को, लड़कियों को 100% हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, 100% एटलीस्ट 50% बॉयज को हॉस्टल होना चाहिए, जो भी नहीं है। सरकार अपना जो नियम बनाई है उसका अनदेखी खुद कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति है सर। मेरा नाम आशुतोष नंदन है, सेक्रेटरी पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार।